biggest courtesy to Rupali ma'am. She is the producer of the show, and obviously the thought, I mean the concept, is really close to our heart. So everything comes out from, she's the source basically. And then obviously the wonderful team of creatives, the writers, the screenplay writers, the on-set crew, our director, who guide us, you know, because execution pe bhi it matters that their vision comes through to the audiences. So I think, the entire team, man. Our creative team, our production people, everyone, all the different sound department, light department, costume department, light department, cameraman, DOP, everyone. तो मैं सोचता था यार हर एक इंसान का नाम कैसे याद हो जाता लोगों को. नाउ वर्किंग विद दीज पीपल आई फेल्ट कि ये लोग इतना काम करते हैं, हम लोगों को झेलते हैं, आर्टिस्टों को, मतलब उनके टेंटरम्स व्हाटएवर, हालांकि हम नहीं फेंकते इतने, बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी रूपाली जी बहुत स्वीट है. मतलब मैं जेन्युइनली बोलूं, बहुत टाइम मैं मतलब कि इसको भी बोला है, पंखुड़ी को भी बोला है, यू नो व्हाट, आई सो वांट कि आपके चेहरे पे ना हमेशा स्माइल रहे ये शो के साथ. सो और यही स्माइल हम जितने भी ऑडियंस हैं उनके चेहरे पे भी डालना चाहते हैं. आई थिंक जो प्यार के जितने भी फैसेट्स थे, जो यू नो द क्रेविंग टू द लॉन्गिंग टू द जुदाई टू एवरीथिंग, मतलब हमने कई सारे मतलब जो इश्क है उसको अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे और तरीकों से हम एक्सप्लोर करेंगे. बट या लाइक एटलीस्ट अगर काजू और नील की बात करें तो इट्स बिन अ वेरी वेरी स्वीट स्टोरी एंड यू नो कुछ एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन था जो दोनों को साथ ला रहा था, बट वो रियलाइजेशन नहीं था. एंड फाइनली यू नो व्हाइल वी कंप्लीट 100 एपिसोड्स, देयर स्टोरीज ऑल्सो कम लाइक फुल, लाइक दे आर मैरिड नाउ एंड दे आर हैप्पी एंड यू नो दैट इज दैट डिक्लेरेशन. सो इट्स अ वेरी स्वीट टाइम फॉर देम इन टर्म्स ऑफ इश. It's great, you know, that we all share the burden, we all carry the burden together, and there are so many different, stories for the audiences to watch and to enjoy, and kitne different shades hain. And I think we're all very secure as people also in our different characters because they are so varied, you know, Pari's character, Kaju's character, Neil's character, they all bring different shades, and the idea is to, you know, kitna relatable hum content bana sakte hain for varied audiences of the country, because India is a huge country and this show at least gives us the chance, the makers the chance, the television industry as a whole the chance to sort of explore so many different, like a special child, a special character, a girl from the mountains, you know, a pahari, with Dev sir bringing in a different whole level. So yeah, and Neil's character, the youth of today, हमारा कास्ट भी ना वैसे बहुत बड़ा है इन जनरल, लाइक इट्स अ ह्यूज कास्ट एंड एवरी एक्टर ब्रिंग्स इन सो मच जब वो आते हैं एक सीन करने के लिए, कि इट्स लाइक हम सब एक परिवार बने हैं पहले सीन से, जब हम सब ने पहला सीन किया था, सिंस दैट डे ऑन हम सब इतने क्लोज हैं, सब बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, और इट इज एक्चुअली लाइक अ रियल फैमिली. सो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना प्लेजेंट है कि ऑल द वे टू नायगांव आते हुए भी ना दिल करता है कि इन लोगों के पास जाना है. तो इट्स अ फीलिंग लाइक दैट. या